हेलो गाइस, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के जितने प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं नीट AIPMT, तो पहले तो AIPMT से हम लोग शुरू किए थे। तो ये वीडियो नंबर सेकंड है और ये जो पेपर है ये 2012 का है, AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। और हम लोग जब शुरू किए थे तो 2001 से शुरू किए थे, 2012 तक पहुंच चुके हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं सभी क्वेश्चन करा रहे हैं चैनल पर, तो आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो ये 2012 AIPMT में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है और ये वीडियो नंबर ये सेकंड है। तो आप फर्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ तक हम लोग कर लिए थे। तो 20 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे, तो यहाँ तक हो गया था। आज के वीडियो में हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करना है। तो ये देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेजरिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मेथड यूज, जो BOD यूज किया जाता है मेथड, ये किसके लिए यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग को ABCD ऑप्शन दिया गया है। अब देखना है इसमें कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो इस्टीमेटिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर में, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके इस्टीमेट के लिए यूज किया जाता है, या फिर वर्किंग आउट ऑफ इफिशियंसी, ये देख लीजिए। ये ऑप्शन नंबर सी देखिए, मेजरिंग द एक्टिविटी ऑफ साइक्रोमाइसिस सर्विसिंग इन द प्रोड्यूसिंग कर्व एंड कमर्शियल स्केल, या फिर डी ऑप्शन वर्किंग आउट द इफिशियंसी ऑफ RBC अबाउट दियर कैपेसिटी टू कैरी ऑक्सीजन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 21 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, इस्टीमेटिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर, जो सीवेज वाटर ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसमें अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर, जैसे मान लीजिए इसमें जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना, तो इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो जब ये ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं ना, तो जो ऑक्सीजन लेते हैं जितनी मात्रा उसी को तो कहते हैं BOD, वही आती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आप करेक्ट करेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, आप NCERT में फिगर दिया गया है, जेनेटिक्स में आप सेकेंड चैप्टर में जाएंगे तो उसमें दिया गया है। अगर आप वो फिगर देखेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाई गई है, उसमें फर्स्ट पे प्रमोटर साइट है, फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन है, फिर टर्मिनेटर है, और वहाँ पे इंड्यूसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का पार्ट नहीं होता है। कौन सा, यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 123। ये सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट, एक पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता है विथ अननोन ब्लड ग्रुप, उसका ब्लड ग्रुप पता नहीं रहता, इमीडिएट ब्लड उसको ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ती है ब्लड की। हिज वन डॉक्टर फ्रेंड एट वंस ऑफर्स हिज ब्लड, एक मतलब उसका फ्रेंड रहता है, वो डॉक्टर से बोलता है कि ब्लड मेरा ले सकते हैं। व्हाट वाज द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर, तो उस डोनर का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो उस डोनर का ब्लड ग्रुप जो है होना चाहिए ब्लड ग्रुप ओ होना चाहिए, क्यों, ब्लड ग्रुप ओ जो होता है सर्वदाती होता है, सभी को दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए को, ब्लड ग्रुप बी को, ब्लड ग्रुप AB को, सभी को दे सकता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए में ना एंटीबॉडी ए ना एंटीबॉडी बी, ये दोनों अब्सेंट होती है, इसी कारण ये सभी को ब्लड देता है। तो ये भी पता हो गया कि एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी दोनों नहीं प्रेजेंट होती किसमें, ब्लड ग्रुप ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं, कंजप्शन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विथ विटामिन ए डिफिशियंसी। अब ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, विटामिन ए डिफिशियंसी जैसे आपको पता होगा तुरंत आप क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे। कंजप्शन ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, इनमें से कौन सा भोजन लिया जाए कैन प्रिवेंट काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस, ये ब्लाइंडनेस क्या होती है, रतौंधी होती है, तो ये रतौंधी को दूर करने की बीमारी कौन सा, विटामिन ए लेंगे तो विटामिन ए सबसे किसमें सबसे अधिक पाया जाएगा। अब ये आप लोग देख सकते हैं इसमें तो गोल्डन राइस में विटामिन ए जो होता है वो सबसे अधिक पाया जाता है किसमें, गोल्डन राइस में। और एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि विटामिन ए किसकी डेरिवेटिव होती है, किसका डेरिवेटिव होता है, किससे निकलता है, तो बीटा कैरोटीन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि बीटा कैरोटीन का डेरिवेटिव कौन होता है, तो विटामिन ए CARO कैरोटीन ई
यानी ई बीटा कैरोटीन, तो ये चीज़ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर 70-80% फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्ब इन हुइच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है जो 70-80% जो होता है इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब आप बनाएंगे नेफ्रॉन का पार्ट बनाएंगे तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस बनाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर असेंडिंग हेनले लूप, फिर डिसेंडिंग हेनले लूप, असेंडिंग हेनले लूप, फिर यहाँ पे आप डीसीटी बनाएंगे, फिर यहाँ पे आप यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट बनाएंगे यहाँ। तो ये चीज़ हो गया, तो यही तो होता है, क्या होता है, पीसीटी होता है, ये पीसीटी। तो पीसीटी पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट का पीसीटी पे, और ये डीसीटी पार्ट वाला होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे 70-80% इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं नेफ्रॉन के। तो ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी आर प्रिवेंटेड इन। ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी दोनों में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किस में होगा, पपाया में नहीं होगा, कैस्टर में नहीं होगा, कुकुम्बर पे नहीं, तो उसी प्लांट में प्रिवेंट होगा जिसमें, मान लीजिए जिसमें आपका क्या, जिसमें डायोसियस प्लांट की बात करेगा। पपाया क्या होता है, डायोसियस प्लांट होता है, ओनली इस पर या फीमेल होगा या मेल होगा, तो पपाया प्लांट जो होता है वो प्रिवेंट कर देता है ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी दोनों को। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन। अब यह क्वेश्चन इतनी बार पूछा जाता है प्लेसेंटेशन से, तो प्लेसेंटेशन से आप इसमें इसका भी एग्जाम्पल जितने भी दिए गए हैं सभी आप लोग रट लीजिए, फ्री सेंट्रल का, एग्जाइल का, पैराइटल का, मार्जिनल का, एनसीईआरटी में दिए गए हैं। चलिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको। तो इसमें तो वैसे टोमेटो पूछ रहा ना, टोमेटो लेमन हम बताए नहीं थे, एक आपको ट्रिक भी बताए थे, TALC बताए थे। एग्जाइल प्लेसेंटेशन किसमें होता है, टोमेटो में, लेमन में और चाइना रोज में। तो आपका इसमें टोमेटो दे रहा है टमाटर, तो इसमें एग्जाइल प्लेसेंटेशन हो जाएगा। एकदम अच्छे से देख लीजिए, और चलिए ये आप लोग देख लीजिए या नोट डाउन भी कर सकते हैं। प्लेसेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विथ इन द ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। डिफरेंट टाइप का प्लेसेंटेशन होता है, जैसे मार्जिनल टाइप प्लेसेंटेशन किस में पाया जाता है, पी में, मटर में, और पैराइटल टाइप प्लेसेंटेशन किस में पाया जाता है, मस्टर्ड और आर्जिमोन में, और एग्जाइल टाइप प्रेजेंटेशन किस में पाया जाता है, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन में, एंड फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन जो पाया जाता है वो डायंथस और प्रिमरोज में। तो ये सभी एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये पर्सन एंटरिंग एंड इम्पटी रूम सडनली, एक व्यक्ति है जो इंटर करता है इम्पटी रूम में, मतलब एक खाली रूम है, अंधेरा वाला रूम है, सडनली फाइंड ए स्नैक राइट इन फ्रंट ऑन ओपनिंग द डोर। जैसे वो खोलता है तैसे एक सांप को देखता है रूम में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन इन हिज न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम। तो उसका न्यूरो कौन सा हार्मोन जो है उसको उसके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करेगा, तो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तुरंत वर्क करने लगता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, तो आपको ये एग्जांपल ही है, आपको शेर रपटा लिया, लायन मीन्स शेर आपको रपटा लेगा तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और हार्मोन रिलीज करेगा, अलग अलग हार्मोन। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और रिलीज करेगा इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन होता है, और ये सिक्रीट होता है मेडुला में, दो पार्ट होता है, कार्टेक्स पार्ट होता है और ये पार्ट होता है मेडुला। तो मेडुला के एडिनल ग्लैंड जो होती है उसमें दो पार्ट, कार्टेक्स पार्ट और मेडुला। तो मेडुला वाले पार्ट से ये हार्मोन रिलीज होते हैं, कार्टेक्स वाले पार्ट से तो कार्टिकॉइड रिलीज होते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में वैसे तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट करिए आप लोग, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और रिलीज करेगा फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन जिसका नाम है इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, एडिनल मेडुला से रिलीज होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन डी थोड़ा देख लीजिए ना, डी में कंफ्यूजन है आप लोग जब पूरा ये एकदम डी पढ़ेंगे ना, ये ऑप्शन
इसीलिए तो ऑप्शन पूरा कंप्लीट पढ़ना रहता है ना क्वेश्चन में, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आप सिंपैथेटिक यहाँ भी देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा देंगे, बट अगर ये लास्ट तक ये पढ़ेंगे, ये ऑप्शन देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड रिलीजिंग एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, बस यहाँ तक पढ़ेंगे बस सही लगा देंगे। अभी तो आप आगे पढ़िए ना, ये कह रहा है फ्राम कहाँ से रिलीज होता है, एड्रिनल कार्टेक्स से, कार्टेक्स से बोल दिया ना, तभी तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे एड्रिनल मेड्यूला, तो मेड्यूला से ये सिक्रेट भी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और हर ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, फिर ऑप्शन जो सही रहे वो लगाइए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गैसियस बायोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में जो बायो जियोकेमिकल साइकिल चलती है वो दो चलती है, एक सेडिमेंटरी होती है और एक गैसियस होती है। तो गैसियस में कौन सा आता है, सीएनजी, ऐसे याद कर लीजिए ना, गैसियस में कौन आता है, सी आता है, एन आता है और जी आता है। जी मीन्स गैसियस, कार्बन नाइट्रोजन तो चलती है, कार्बन चलती है, नाइट्रोजन चलती है, और आपका सल्फर तो उसमें भी चलेगी सेडिमेंटरी में और गैसियस में, बट फास्फोरस नहीं चलता। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 129 का ऑप्शन नंबर जब आप लगाएंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं चलती फास्फोरस साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विथ ये रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, प्रोब कहते हैं। तो 130 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 130 का डी ऑप्शन, प्रोब क्या होता है, प्रोब एक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ना, रेडियो लेवल्ड मॉलिक्यूल होता है, न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड ही होती है, तो डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, 131 ऐसे क्वेश्चन, तो ये समझिए कि हर बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो ये दो चीज़ ना आपको एकदम रटा होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आना 100% ये समझिए कि 99% फिक्स रहता है कि इस पोर्शन से क्वेश्चन आता है, जहाँ पे बायोलॉजी पूछी जाती है वहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो आप इवोल्यूशन चैप्टर में जाएंगे, एनसीईआरटी 12th में आप देखेंगे, खोलेंगे आप इवोल्यूशन, तो उसमें दिया गया है। तो ये देखिए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये सब एग्जांपल दिए गए हैं कौन सा सही है। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मीन्स होता है, इसमें जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है बट ओरिजिन जो होता है वो सेम होता है। तो ये देखिए, फंक्शन सेम होता है किस में, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में फंक्शन सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। डाइवर्जेंट में फंक्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा, फंक्शन डिफरेंट होगा। अब देखिए, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, जो आई होती है, आँख होती है ऑक्टोपस और मैमल्स की, वो उसके तो फंक्शन सेम ही होंगे ना देखने के लिए, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन फर्स्ट ऑप्शन तो एकदम सही है। अब चलिए देखिए, इसमें ऑप्शन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में देख लीजिए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में जब देखेंगे तो ये बोन्स ऑफ फोरलिम ऑफ वर्टिब्रा, तो जो फोरलिम्स होता है बोन्स वर्टिब्रा में वो अलग अलग होता है, किसी में ग्रास्पिंग किसी में दौड़ने के लिए, तो ये चीज़ ऑप्शन नंबर 131 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विथ स्टैंड इन्वायरमेंटल एक्सट्रीम एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाई एनी एंजाइम, यह क्वेश्चन एकदम सिंपल है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ये हमको बताना है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बताना है जो विथ स्टैंड मतलब सहन कर लेती है इन्वायरमेंटल एक्सट्रीम हाई लेवल के इन्वायरमेंट को सहन कर लेती है और किसी भी एंजाइम से डिग्रेडेड नहीं होती, मतलब ब्रेकडाउन नहीं होता, तो वो क्या होता है। तो 132 का ऑप्शन नंबर, जैसे आप लोग स्पोर पढ़े होंगे ना, पोलन ग्रेन स्पोर देखते होंगे आप, सालों लाखों मतलब हजारों सालों तक वो एकदम स्पोर वैसे ही बना रहता है चट्टानों पर, तो वो उस पर स्पोरो पोलिनिन पाई जाती है ना। मान लीजिए ये स्पोर है, अब स्पोर पे दो लेयर होती है, एक इंटाइन लेयर होती है और एक एग्जाइन लेयर ऐसे होती है, तो जो ये एग्जाइन लेयर होती है ना बाहर वाली, यही तो स्पोरो पोलिनिन की बनी होती है, तो यही इसीलिए स्पोरो पोलिनिन पे एसिड का कोई मीन्स ये समझिए एंजाइम का कोई भी अटैक इस पर इफेक्ट करता ही नहीं, स्पोरोपोलिनिन को एसिड डाल देंगे तब भी नहीं, तो इसीलिए तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। एकदम अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी जाता है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल्स ईच अदर इन हाइविंग, साइकस और एडियंटम एक ही तरीके से दिखते हैं, क्यों, क्या होने की वजह से, तो मोटाइल स्पर्म दोनों में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए,
व्हाट वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन होमो सेपियंस फ्राम हिज एंसेस्टर एंसेस्टर से मॉडर्न मैन का जब इवोल्यूशन हुआ तो सबसे उसमें सिग्निफिकेंट क्या था महत्वपूर्ण क्या था शॉर्टनिंग ऑफ जॉ बायो बायनाकुलर विजन या फिर इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी तो यही सही है। जैसे आप देखेंगे ना अब के मॉडर्न मैन का होमो सेपियंस की जो ब्रेनियल कैपेसिटी होती है वो 1475 होती है 1475 सीसी में। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि मॉडर्न मैन की ब्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है तो वो 1475 सीसी होती है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पहले तो ऐसे 800 600 फिर उसके बाद 900 हुआ फिर 1200 हुआ तो ऐसे ऐसे चेंज होते अब मॉडर्न मैन की जो ब्रेनियल कैपेसिटी हुई इसी वजह से इंक्रीजिंग कैपेसिटी होती तो ऑप्शन नंबर इसमें सी इसलिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए इसमें मॉर्फोलॉजी में ये मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन आया है पूछा गया था 2012 में। तो मॉर्फोलॉजी आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व भी कर पाएंगे नहीं तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है। साइमोज और ये इन्फ्लोरोसेंस से क्वेश्चन है इन्फ्लोरोसेंस से क्वेश्चन है एक साइमोज होता है और एक इसी में रेसिमोज होता है RACEMOSE होता है एक रेसिमोज होता है एक साइमोज। तो साइमोज क्या होता है साइमोज का मीन्स होता है इसमें क्या होता है साइमोज में इसमें बेसिपिटल आर्डर में फ्लावर का अरेंजमेंट होता है मीन्स इसमें डिटर्मिनेंट मतलब डिफिनिट इन्फ्लोरोसेंस मतलब लिमिटेड ग्रोथ होती है। जैसे ये मान लीजिए अभी एक हम आपको बना दे रहे हैं जैसे ये एक बना दिए ये एक बना दिए ये एक बना दिए अब फ्लावर जो है ना इसके टॉप पे हो जाएगा फ्लावर इसके टॉप पे आ जाएगा। जब फ्लावर इसके टॉप पे आ जाएगा तो इसके आगे तो और ग्रोथ होगी नहीं यहीं पे ग्रोथ रुक जाती है तो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है टर्मिनल फ्लावर होता है। ये आप लिख सकते हैं कि टर्मिनल फ्लावर किस में होता है तो टर्मिनल मीन्स एकदम लास्ट छोर पे टर्मिनल फ्लावर किस में पाया जाता है तो साइमोज इन्फ्लोरोसेंस में। अब इसका एग्जांपल आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए जब साइमोज का एग्जांपल पता होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें साइमोज का किस में आप अब इसमें CBD आप देखेंगे किस में क्या होगा। तो एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि साइमोज इन्फ्लोरोसेंस में जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता हो किस प्रकार का होता है तो बेसिपिटल टाइप का होता है BASIPETAL बेसिपिटल आर्डर में फ्लावर इसके लगे होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो 135 का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में 135 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा तो आप सोलेनम तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोमल आरएनए जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ पे तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस जो होता है वो न्यूक्लियोलस में होता है न्यूक्लियस में आपके न्यूक्लियोलस पाया जाता है उसी में आपका राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए ये क्वेश्चन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दी एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैमेट फॉर्मेशन जब होता है तो एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट करता है ड्यूरिंग किस फेज में किस फेज में ये पार्टिसिपेट करता है तो ये पार्टिसिपेट करता है प्रोफेज फर्स्ट में क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट की आपकी देखेंगे तो उसमें अलग अलग स्टेज आती हैं तो इसी वजह से तो प्रोफेज फर्स्ट आप लोग लगाएंगे इसी में आती है तो लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन सब इसी अलग अलग स्टेज आती हैं तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए इन द फॉलोइंग फूड चैन अब ये फूड चैन बनाया गया है और एक इसमें ए स्पेस दे दिया गया अब इसको आपको देखना है कि यहाँ पे क्या फिलअप किया जाएगा। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है प्लांट को कौन खाता है इंसेक्ट ही खाता है इंसेक्ट को कौन खाता है फ्रॉग खाता है तो आप देखे भी होंगे फ्रॉग को कौन खाता है फ्रॉग को स्नैक खा लेता है ना सांप जो होता है ये एकदम तुरंत खा लेता है फ्रॉग को फिर स्नैक को कौन खाता है ईगल खाती है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्नैक तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को एकदम ये देखिए रैबिट दिया गया है तो ये तो एकदम गलत हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए रैबिट तो काट दीजिए क्योंकि फ्रॉग को खाता नहीं है ना ही पैरट ये भी काट दीजिए और ये खाएगा कोबरा तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्लोड इज प्रेजेंट इन, अब ये भी क्वेश्चन इतनी बार पूछा जाता है, फिल्लोड, एक फिल्लोड होता है और एक फिल्लोक्लैड होता है, ये दोनों इतनी बार पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के हर एक एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, कभी उसके डिफिनेशन पूछे जाते हैं, कभी उसके कुछ पूछ लिए जाते हैं। जैसे कभी फिल्लोड, ये जान लीजिए फिल्लोड क्या होता है, एक बार काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, ऐसे एकदम स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि फिल्लोड में पिटियोल जो होती है, फिल्लोड पिटियोल PETIOLE पिटियोल जो होता है, इसका ये पिटियोल मॉडिफाई हो जाती है, किसमें, लीफ में चेंज हो जाती है, तो ये फिल्लोड ही होता है ना, फिल्लोड का ये क्या होता है, मतलब स्टेटमेंट होता है कि पिटियोल मॉडिफाई हो जाती है लीफ में, उसको क्या कहते हैं, फिल्लोड कहते हैं। और फिल्लोड का आप लोग एकदम एग्जांपल रट लीजिए, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, PPP लिख लीजिए, फिर A लिख लीजिए, फिर P लिख लीजिए। अब इसमें पिटियोल का मॉडिफिकेशन किस में होता है, ये देखिए फिल्लोड में, फर्स्ट में पी का मतलब पिटियोल का मॉडिफिकेशन होगा लीफ में, किसमें होगा, तो उसी को फिल्लोड कहेंगे। और इस, अब ये दोनों एग्जांपल हैं, ए से अस्ट्र, ये लिख लीजिए AUSTR ऑस्ट्रेलियन, LIAN ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ACACIA अकेसिया लिख लीजिए। और एक आपका ये देख लीजिए ऑस्ट्रेलियन अकेसिया दिया भी गया है, और पी से लिख लीजिए आप, पी से क्या लिखेंगे, पार्किंसोनिया लिख लीजिए, PARKINSONIA, ये दो एग्जांपल आप लोग रट लीजिए, फिल्लोड का दो एग्जांपल है, पार्किंसोनिया ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, और ऑस्ट्रेलियन अकेसिया इसमें दिया भी गया है, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, मोनिस्कस परपीरियस इज ए ईस्ट, मोनिस्कस परपीरियस क्या है, एक ईस्ट है, यूज किया जाता है कॉमर्शली इन द प्रोडक्शन, आप किसके प्रोडक्शन में यूज किया जाता है ईस्ट मोनिस्कस परपीरियस, तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, एक स्टैटिन होती है ना, ये इसी के प्रोड्यूस करने के लिए ये यूज किया जाता है, STATIN स्टैटिन्स प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये स्टैटिन क्या करता है, क्लाट ब्लास्टर में काम करता है ना, तो ये स्टैटिन क्या कर देता है, एक कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, जो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बढ़ाती है, उस एंजाइम को ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, तो उस एंजाइम बनने नहीं पाता, तो एंजाइम जब नहीं बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल आपको ब्लड में नहीं बनेगा, तो इसलिए, तो ये ऑप्शन नंबर डी देखिए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टैटिन्स, स्टैटिन जो होता है यही प्रोड्यूस किया जाता है मोनिस्कस परपीरियस ईस्ट से, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में एकदम एग्जैक्ट सही करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल ड्यूरिंग फोटोरिस्पायरेशन, अब करेक्ट सीक्वेंस देखना है, तो ड्यूरिंग फोटोरिस्पायरेशन के दौरान कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल यूज किए जाते हैं, वही चीज़ देखना है, और करेक्ट सीक्वेंस में देखना है, तो 142 का ऑप्शन नंबर सी देखिए, क्लोरोप्लास्ट यूज होता है, फिर माइटोकांड्रिया, फिर पराक्सीसोम, तो ऐसे आप बना सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, फिर उसके बाद आप माइटोकांड्रिया बना सकते हैं, फिर उसके बाद आप पराक्सीसोम्स बना सकते हैं, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट लिख लीजिए, फिर उसके बाद माइटोकांड्रिया लिख लीजिए, फिर पराक्सीसोम, इसका आर्डर यही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, अब इसमें कौन सा एकदम मतलब करेक्ट मैच कराया गया है, पैसिव ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट में ATP यूज होता है, नहीं, एपोप्लास्ट प्लाज्मोडेस्मोटा यूज किया जाएगा, और पोटेशियम क्या होता है, रेडली इमोबिलाइजेशन, एकदम सही है, पोटेशियम का कोई मोबिलाइजेशन होता ही नहीं है तो प्लांट में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये नॉर्मल विजन मैन, एक मैन है उसका विजन जो आँख है नॉर्मल है, हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, उसके पापा जो थे वो कलर ब्लाइंड थे, उसके पापा का एक्स वाई होगा, तो एक्स पे सी होगा, तो लड़के को वाई मिला होगा ना कि सी मिला होगा, इसलिए ये मैन जो होगा ये नॉर्मल ही होगा, कोई इसमें इफेक्ट नहीं होगा, ना कैरियर ना कलर ब्लाइंड कुछ नहीं, अगर सी पे आ जाता कुछ तो कलर ब्लाइंड होता। मैं ये शादी करता है एक वोमेन से हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड, उसके जो उसके
पापा थे वो कलर ब्लाइंड थे, तो यक्ष मिला होगा लड़की को, तो लड़की तो कैरियर ही होगी ना, ये होगी, एक मम्मी से मिला होगा तो मम्मी तो नॉर्मल होंगी। अब इसका दोनों का जब आप क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, ये देखिए जैसे आप ये करा भी सकते हैं ना आसानी से, इसमें 0% आएगा। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कलर ब्लाइंड, दे हैव दियर फर्स्ट चाइल्ड इज ए डॉटर, जो पहला लड़का पैदा होता है वो डॉटर होती है, पुत्री होती है। व्हाट आर द चांस दैट दिस चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड, अब इसमें पूछ रहा है कि जो ये चाइल्ड है डॉटर्स है उसमें कितने % चांस हैं कि वो कलर ब्लाइंड होगी। तो डॉटर तो कभी, डॉटर ये समझिए कभी कलर ब्लाइंड हो ही नहीं सकती, अगर वो कलर ब्लाइंड हो जाएगी तो बचेगा नहीं। कलर ब्लाइंड जैसे ये होगा डॉटर, एक सी पे कलर ब्लाइंड आएगा तो ये तो कैरियर हुआ ना, ना कि कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड का मीन्स दोनों पे आ जाए, और दोनों पे आ जाएगा तो बच्ची बचेगी नहीं, एकदम डेथ कर जाएगी, मर जाएगी। तो इसका जब क्रॉस कराएंगे, आप क्रॉस करा के देख लीजिएगा, ये देखिए ये एक इससे क्रॉस कराएंगे, ये लड़के से यक्स वाई से, जब ये क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, एक यहाँ से क्रॉस कराएंगे यक्स यक्स बनेगा, फिर नेक्स्ट से क्रॉस कराएंगे यक्स वाई बनेगा, फिर इससे क्रॉस कराएंगे यक्स यक्स, ये देख लीजिए कैरियर हो गई, और इस पे कराएंगे यक्स सी वाई, तो ये तो कलर ब्लाइंड, लड़का तो कलर ब्लाइंड हो जाएगा, बट लड़की जो होगी, और लड़की पूछ भी रहा है, तो लड़की जो होगी वो कैरियर होगी ना कि कलर ब्लाइंड, तो कलर ब्लाइंड होगी ही नहीं। तो इसीलिए 0% आप लोग लगाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, जब पार्चुरेशन होता है डिलीवरी के समय तो वो आपका सिग्नल कहाँ से आता है, ऑक्सी टू, ये फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप फीटस, एकदम एग्जैक्ट यही सही है, प्लेसेंटा से भी आता है और फुल्ली डेवलप फीटस से होते हुए आता है, वो नर्वस सिस्टम पे जाता है, फिर ऐसे ऐसे हार्मोनल चेंज होते हैं कुछ, तो इस ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये पेशेंट ब्रॉट टू हैव हॉस्पिटल विथ मायोकार्डियल इन्फेक्शन नॉर्मली इमीडिएटली गिवन, ये क्वेश्चन कह रहा है एक पेशेंट है जिसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है विथ मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन मीन्स उसके जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें कुछ ब्लॉकेज हैं, और उसको और जो हार्ट होती है उसके लेयर को क्या नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ही जाता है, तो ब्लड अच्छे से मिलता नहीं, तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, उसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जो हार्ट की लेयर होती है मायोकार्डियम लेयर, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तब नेक्रोसिस होने लगती है, वहाँ की सेल जो होगा हार्ट की, वहाँ पे सेल डेथ करने लगती हैं धीरे धीरे, तो वही चीज़ कह रहा है। तो आप कह रहा है कि इमिडिएटली उसको क्या देंगे आप अच्छे से, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको आप पेनिसिलिन देंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज देंगे, या साइक्लोस्पोरिन देंगे, या स्टेटिन देंगे, तो क्या देंगे, तो 46 का ऑप्शन नंबर कौन सा आप लगाएंगे, उसमें स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाएगा, यही तो टीपीए कहते हैं, टीसू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर देंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ऑप्शन नंबर इसमें 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ कैंसेरियस सेल, कैंसेरियस सेल की इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, व्हेयर द रिमेनिंग थ्री, इसमें से मतलब कौन सी कैंसेरियस सेल की प्रॉपर्टी नहीं है, तो कैंसेरियस सेल्स जो होता है ये कैंसेरियस जब सेल हो जाती है तो उसमें कंटैक्ट इनहिबिशन वो लॉस कर देती है, खो देती है कंटैक्ट इनहिबिशन, तो चौथा ऑप्शन देख लीजिए, दे सो, ये कह रहा है कि कैंसेरियस सेल जो होती है वो शो करती है कंटैक्ट इनहिबिशन, नहीं यही तो गलत है, शो नहीं करती, वो लॉस कर देती है कंटैक्ट इनहिबिशन। कंटैक्ट इनहिबिशन का मीन्स होता है, मान लीजिए ये आपका कोई चीज़ है, यहाँ पे कैंसर हो गया है, तो बगल वाली सेल्स जो होती हैं इससे जुड़ी होती हैं ना, तो जब कंटैक्ट इनहिबिशन लॉस हो जाएगा तो ये सेल कैंसेरियस वाली इसको भी इन्फेक्ट क्या कर देगी, कैंसर में चेंज कर देगी, और जब कैंसर नहीं हो, मान लीजिए इस सेल में कैंसर नहीं है, इस सेल में भी कैंसर नहीं है, तो वो कंटैक्ट इनहिबिशन शो करती हैं, दोनों आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो जब कैंसर हो जाएगा तो ये कंटैक्ट इनहिबिशन लॉस कर देती हैं, जिससे अगल बगल वाली भी सेल क्या होती हैं, तो उसमें कैंसर हो जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टिल इज फ्लावर ऑफ, मेनी फ्री पिस्टिल कह रहा है, पिस्टिल जो होती हैं वो फ्री हैं, तो फ्री किस में होता है, माइकेलिया में होता है, चंपा में होता है जिसको कहते हैं, पर चंपा क्या है, चंपा में मेनी फ्री पिस्टिल होती हैं, ऐसे याद करिए, माइकेलिया मीन्स चंपा होता है, और चंपा में क्या होता है, फ्री होती है,
तो उसमें जो पिस्टिल होती है वो फ्री होती है। तो ऐसे याद करेंगे तो एकदम अच्छे से याद भी रहेगा और हमेशा याद रहेगा, क्योंकि एपोकार्पस पिस्टिल पाई जाती है ना माइकेलिया में। माइकेलिया में पूछा गया था कौन सा कार्पस पाया जाता है, एपोकार्पस। पिस्टिल सेपरेटेड होता है, अलग अलग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की कौन सी फंक्शनल यूनिट इसमें से नहीं है, एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, स्ट्रेटिफिकेशन। तो 49 का कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, डी ऑप्शन देख लीजिए। डी ऑप्शन स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है वो इकोसिस्टम का यूनिट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नॉर्मल प्रेग्नेंट वोमेन द अमाउंट ऑफ टोटल गोनाडोट्रोपिन्स एक्टिविटी वाज एसेस्ड द रिजल्ट एक्सपेक्टेड। अब उसमें आप एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वोमेन है, द अमाउंट ऑफ टोटल गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वाज एसेस किया जाता है, तो द रिजल्ट आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या मिलेगा। तो इसमें देख लीजिए क्या लेवल आपका हाई रहेगा, तो HCG जब चेक करेंगे, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जब क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो क्या होता है, तो आप में ये देखिए कौन सा उसका लेवल अधिक मिलेगा। तो लेवल आपको हाई लेवल आप सर्कुलेटिंग HCG ये देख लीजिए दिया गया है, स्टिमुलेट, यही स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस को। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 150 में डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि HCG जो होता है ये स्टिमुलेट भी करता है, मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम को और सिक्रेट करवाता है प्रोजेस्टेरॉन को। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ है, तो ये 150 तक हम लोग डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, ऐसे मत बीच में मत छोड़ा करिए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। लाइक अगर नहीं करते तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और आप लोग अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को रिवाइज तो ज़रूर करें, रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। सभी ये समझिए कितना मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ, काफ़ी नीट की तो बहुत क्वेश्चन करा दिया हूँ काफ़ी, तो 2001 से मैंने शुरू किया था, अभी 2012 में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग 13 का करेंगे, फिर 14, फिर 20 तक ऐसे ही करेंगे, और काफ़ी वीडियो कराई भी गई हैं, तो आप लोग रिवाइज करते रहिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी सभी जितने भी वीडियो कराए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और चैनल पे जाइए वहाँ पे और काफ़ी वीडियो हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और बेस्ट वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।